हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स, आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है या आपके एग्जाम में आता है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स का जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है? ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज के बीच में। जैसे वेरिएबल एंड वैल्यू, जैसे आपने लिखा है 10 + 20, आंसर क्या है 30। तो प्लस क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है और 10 और 20 क्या है, वैल्यूज है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, और वेरिएबल के बीच में कैसे होगा? सपोज आपने ए की वैल्यू 10 दी हुई है, बी की वैल्यू आपने 20 दी हुई है। ए और बी क्या है, आपके वेरिएबल। अगर आप इसमें एडिशन करते हो ए प्लस बी, तो ये आपको एडिशन करके देगा 30 देगा। तो वेरिएबल और वैल्यूज के बीच में जो ऑपरेटर यूज होता है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑपरेटर्स के टाइप। बच्चों को ये तो पता रहता है कि ऑपरेटर्स होते क्या है, बट उन्हें ये ज्यादा पता नहीं था कैटेगराइज कैसे करते हैं। कैटेगराइज करने का आपका मेन फंडा है, यहीं पर आपको मार्क्स मिलते हैं कि आप सही कैटेगरी में उनको रखो, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसके टाइप। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के भी दो टाइप होते हैं, यूनेरी और बाइनरी। यूनेरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे ए आपका एक ऑपरेंड है, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है, माइनस क्या है आपका ऑपरेंड। तो आपने ये समझना है ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनेरी का यूज क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ होता है, जैसे आपका प्लस प्लस ए, ठीक है, इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अगर आपने कहीं माइनस माइनस ए लगा दिया है तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को एक बार डिक्रीज करेगा। तो ये यहां पर देख सकते हैं आप, तो ये एक ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, तो इसको यूनेरी ऑपरेटर का। अब दूसरे होते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो, जो दो ऑपरेंड के बीच में यूज होते हैं या उनके साथ यूज होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे आपने कहा ए प्लस बी, तो हम ये देख के समझ जाएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज इसमें दो ऑपरेंड है ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस मल्टीप्लाई। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको सभी पता होंगे, बट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी क्या करता है, एडिशन करता है दो नंबर का, और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करता है दो वैल्यू का ज्यादा को। डिवाइड क्या करता है, डिवीजन करता है। जैसे आपने कहा 20 / 10, आपका आंसर आएगा 2। और ये ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो कभी कभी बच्चों को पता नहीं रहता है, इट कैलकुलेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर देखते हैं, 10 modulus 3 आपने लिखा है, तो 3 × 3 = 9, बचा कितना 1। तो ये आपको क्या फाइंड करके दिखाता है, मॉडुलस या रिमाइंडर जो बच जाता है। अब होते हैं रिलेशनल। अगले रिलेशन क्या होता है, जो दो के बीच में रिलेशन बताते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी। जैसे इसमें पहला है इक्वल इक्वल, तो ये बताता है कि जैसे आपने कहा ए इक्वल इक्वल बी, तो यहां पर ये कह रहा है कि ए और बी बराबर है, रिलेशन बता रहा है कि ए और बी बराबर है नहीं। दूसरा होता है नॉट इक्वल टू, रिलेशनल की कैटेगरी में होता है। बच्चों को ज्यादा डाउट रहता है कि ये लॉजिकल है, बट ये लॉजिकल नहीं है। जैसे इसका कैसे एग्जांपल हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू बी, ये कह रहा है कि ए नहीं है बी के बराबर। अब ये होता है लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होंगे, बहुत इजी है। अब लॉजिकल में आते हैं एंड, ये साइन दो बार आप ऐसे लगा सकते हैं, और नॉट। एंड का यूज कब होता है, जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होती है, ऑल द कंडीशन आर ट्रू, तब एंड आप। एग्जांपल सेट करना है, आपने कहा ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी, आपको यहां पर ये कह रहा है कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से बड़ा होना चाहिए। अगर यहां पर
ए बी से बड़ा होता है और ए सी से छोटा है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब आपका और है, और कहता है कि आपकी एटलीस्ट वन कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो ये चल जाएगा आपका जो भी प्रोग्राम है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ए ग्रेटर बी और ए ग्रेटर सी, तो यहां पर आप देख सकते हो अगर ए बी से बड़ा है या और का मतलब यह होता है या ए ग्रेटर सी है तो इसमें ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, बिकॉज कंडीशन एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नॉट तो इसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो फिर होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और फिर लास्ट होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपका इफ एल्स का अल्टरनेट है, इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं। ये आपको अगर नॉलेज है तो आप 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में उसे सॉल्व कर सकते हो। जो हमारा क्वेश्चन था तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट द टाइप ऑफ सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स अरिथमेटिक लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये पता करना है कि ये कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉट, याद आ रहा है अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो मुझे लगता है नॉट का जो टाइप है वह है लॉजिकल। नॉट इक्वल टू क्या था मैंने कहा था, बच्चे समझते हैं लॉजिकल, बट यह है रिलेशनल। एंड लॉजिकल और मॉडुलस, ये तो बहुत इजी है, अरिथमेटिक। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो थैंक यू।